साथियों, अब मैं कॉमरेड साकेत को यहाँ पे बुलाना चाहूंगी जो वाइस प्रेसिडेंट है जेएनयू से। साथियों, अपना बात शुरू करने से पहले मैं ये बात फिर से एक बार कह देना चाहता हूँ कि आज जो हम यहाँ पे एक जश्न मना रहे हैं, आज जो जीत हुई है वो किसी एक पार्टी की जीत नहीं है, किसी एक गठबंधन की जीत नहीं है। आज पूरे जेएनयू के वो तमाम छात्र जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो विश्वास करते हैं कि जेएनयू में चुनाव होना चाहिए, उनका अधिकार है एक यूनियन चुनने का, जो लोग ये विश्वास करते हैं आज उनकी जीत है। और साथ ही साथ जो विचारधारा आज पूरे देश में लोकतंत्र पर एक अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी एक हार है। साथियों, अपना बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज किस तरीके से संघर्ष जो है एक हमारे कैंपस में और इस देश में लड़ा जा रहा है। और उसका एक बेहतरीन उदाहरण यही होगा कि आज दो लोगों का जन्मदिन है, दो लोगों की जयंती है, और उन्हीं के विचारों में जो एक कॉन्ट्रास्ट है, एक तरफ एक इंसान है जो देश का प्रधानमंत्री है, जो पूरे देश में प्रधानमंत्री बनते ही लोकतंत्र पे अलग अलग तरीके से हमला करता है। आज एक वीडियो वायरल हुआ था, शायद आपने देखा होगा, एक हमारे प्रधानमंत्री जी एक डमरू टाइप का चीज लेके उसको खोलते हैं, बर्थडे पे बहुत सारी तितलियां बाहर निकलती है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये एक्चुअली मतलब ये हुआ है। और तितलियों को आज़ाद करते हैं पर एक महीने से एक पूरे राज्य को जेल में रखा हुआ है, एक पूरे राज्य को एक कम्युनिकेशन लॉकडाउन करते हुए वहाँ पे एक डर का माहौल बनाया गया है। ये एक तरफ ऐसा विचार है जो देश में फांसीवाद ला के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरे तरफ उस शख्स का जन्मदिन है, बर्थ एनिवर्सरी है, जिसने हमें सीख दी कास्टिज्म के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ संघर्ष करने का, सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष करने का, अंधविश्वास के खिलाफ अपना आवाज रखने का। वो इंसान है ईवीआर पेरियार रामास्वामी, और उनके सीख को आज जो नया जेएनयू से चुन के आया है वो आने वाले समय में इन्हीं दो विचारधाराओं के बीच, एक तरफ फांसीवाद, दूसरी तरफ लोकतंत्र, एक तरफ अंधविश्वास और सांप्रदायिकता, और दूसरे तरफ साइंटिफिक टेम्पर, रैशनैलिटी, लॉजिक, रीजन, इस संघर्ष को आने वाले समय में हमको आगे ले जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ जब ये दोनों विचारधाराएं आज एक संघर्ष में है, आज इनके बीच में एक बड़ा युद्ध चल रहा है, तब इसका रिफ्लेक्शन चाहे देश में हो चाहे हमारे कैंपस में वो देखने को मिलता है। से कैंपस में जो एक लोकतंत्र है, कैंपस में जो जमहूरियत है, जहाँ पे एक तरफ हमारा एक इलेक्शन कमेटी है जो एक स्वायत्त तरीके से इंडिपेंडेंटली फ्री एंड फेयर तरीके से एक इलेक्शन कराता है, उसके ऊपर एक हमला करने का एक कोशिश प्रशासन और एबीवीपी और आरएसएस मिलकर कर रहा है। पिछले साल हाथापाई किया, पहले बार जेएनयू के इतिहास में इलेक्शन कमेटी के ऊपर हाथ उठाया गया, और वो भी एबीवीपी द्वारा, और जब ये सब फेल हो गया तो साल भर यूनियन को नोटिफाई नहीं होने का एक सिगुफा इन्होंने छोड़ा, और वही आज तक के राग अलाप रहे हैं। और जब ये सारे इनके कोशिशें नाकाम हो गई, तब उसके बाद इस साल जीआरसी का जो हेड है उमेश कदम, डीन ऑफ स्टूडेंट, वो कंटिन्यूसली इंटिमिडेट करते हुए, हरास करते हुए इलेक्शन कमेटी के ऊपर एक दबाव बना रहा है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमेटी दबाव में आके अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उन्होंने 50 साल से बिना किसी शक के, बिना किसी भी एक शेडो ऑफ डाउट के एक निभाया है, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने का कोशिश डीन ऑफ स्टूडेंट की तरफ किया गया था इस पूरे चुनाव में। और आज जो हाईकोर्ट का एक हिस्टोरिक वर्डिक्ट आया है, जिसमें ये कहा गया है कि जेएनयू में जो इलेक्शन कमेटी है उसके ऊपर कोई डाउट नहीं किया जा सकता है, जेएनयू में जो डेमोक्रेसी का एक स्ट्रक्चर है वो बियॉन्ड रिप्रोच है, और इसीलिए आज दोनों पिटिशनर की जो प्ली थे उसको कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि आप फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कि आप कोर्ट में आके झूठ बोल रहे हैं। इस झूठ का पर्दाफाश करने का आज जिम्मेदारी जेएनयू के हर एक छात्र का है, और ये उन्होंने किया। और हाईकोर्ट को भी मैं सलाम करना चाहता हूँ कि उन्होंने सच के साथ खड़े रह के आज ये वर्डिक्ट दिया, और साथ ही साथ हमारे इलेक्शन कमेटी के तमाम मेंबर्स को, चाहे पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो, जिन्होंने सालों साल इस कैंपस में एक डेमोक्रेसी को बचाते हुए, एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को बचाते हुए, एक हमारे जमहूरियत के जो रवायत है उसको बचाते हुए एक संघर्ष लड़ा है, उनको मैं क्रांतिकारी जय भीम और लाल सलाम पेश करना चाहता हूँ। साथियों, जैसे एक लोकतंत्र का मॉडल जेएनयू में है, उसका एक विपरीत मॉडल हमको बाहर हर जगह देखने को मिल रहा है। एक तरफ देश में जहाँ पे आज बीजेपी का सरकार हर तरीके से एक जमहूरियत पे हमला कर रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला कर रहा है, संविधान को जला तो रहा है ये जंतर मंतर पे, पर
पार्लियामेंट के अंदर बैठ के एक टेररिस्ट को एमपी बना के ये उसको डिफेंड करता है कि भारत का संस्कृति है। ये किस संस्कृति का बात कर रहा है, किस लोकतंत्र का बात कर रहा है, जहाँ पे ये लोग इलेक्टेड एमएलए को पैसा दे दे के खरीदते हैं, जहाँ पे ये लोग अपना मारपीट करके, गुंडागर्दी करके, खून खराबा करके, दंगा फसाद तक के करके अपना इलेक्शन में जीत हासिल करने का पूरा कोशिश करता है। एक मॉडल जब लोकतंत्र का ये है तो जेएनयू एक अल्टरनेटिव की तरह आज भी खड़ा है। और जब से जेएनयू का चुनाव शुरू हुआ, पूरे देश भर से, चाहे वो नॉर्थ बंगाल के किसी गांव में हो, चाहे अररिया बिहार के किसी कस्बे में हो, चाहे वो तमिलनाडु के किसी शहर में हो, लोग मुझे कंटिन्यूसली मैसेज कर रहे हैं और सारी कैंडिडेट्स को कर रहे हैं कि आप जो संघर्ष लड़ रहे हैं, हम भले ही जेएनयू में ना हो, हम आपके साथ हैं, हम आपके संघर्ष में आपके साथ हैं, आपको हमारा पूरा सपोर्ट है। तो क्यों कह रहे थे, क्योंकि जब देश में लोकतंत्र पे एक हमला है, लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन के सारे ताकतें आज नाकाम बैठी हुई है, आज हताश होकर बैठी हुई है। और आज छात्र और युवा एक एकता बना के सड़कों पे उतर के पुलिस के डंडे और बंदूकों को झेल के आज अपने हकों की बात कर रहे हैं। और उसमें आज जेएनयूसी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर संघर्ष में, जैसे उसने अतीत में किया है, चाहे वो इमरजेंसी में हो, चाहे 2002 के दंगों में हो, चाहे बाबरी दादरी में हो, चाहे ऊना में हो, चाहे सहारनपुर में हो, हर जगह जाके हर उस आंदोलन में सहभाग लेके अपना बात रखना पड़ेगा कि आज भी जेएनयू का छात्र सही को सही और गलत को गलत कहता है, आज भी वो जमहूरियत के साथ खड़ा है, आज भी वो अपने हकों के लिए बात कर रहा है, आज भी वो अपने संविधान के पक्ष में खड़ा है। और इसीलिए आने वाले समय में काफ़ी सारे मुद्दे हमारे सामने हैं। एक तरफ जो सरकार है जो शिक्षा का बाजारीकरण कर रही है, जो बिरला अंबानी रिपोर्ट जो कहता है कि शिक्षा एक कमोडिटी है, बाजार में बेची जाने वाली वो एक वस्तु है, वो ये सरकार मान के आज शिक्षा को बेच रही है, उसके खिलाफ हम लोग को खड़े रह के बार बार ये बात असर्ट करना पड़ेगा कि शिक्षा कोई कमोडिटी नहीं है, शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है और हम उसके लिए लड़ेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हर उस छात्र को, हर उस इंसान को जो शिक्षा लेना चाहता है, उस तक शिक्षा पहुँचे। और इसीलिए ये लड़ाई शुरू होती है जेएनयू से ही, क्योंकि एक तरफ जब बाजारीकरण हो रहा है शिक्षा का, जब लाल किला तक बेचा जा रहा है, तब जेएनयू को भी ईंट दर ईंट एक थोक भाव में मोदी सरकार बेच रहा है। और जब ये बेच रहा है तो एक फंड कट के नाम पे बेच रहा है। एक तरफ हिफा लोन, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, ऐसे ऐसे सिगुफे ला के छोड़ रहा है, और दूसरे तरफ हमारा हॉस्टल बनाने का पैसा, हॉस्टल में मरम्मत करने तक का पैसा नहीं है, हमारे क्लासरूम्स में जो वाटर कूलर होता है, जो बेंचेस होते हैं, जो टेबल्स होते हैं, उसको रिपेयर करने का पैसा नहीं दे रहा है, लैब्स में इंस्ट्रूमेंट को ठीक कराने का पैसा नहीं दे रहा है, और इंजीनियरिंग और MBA जैसे कोर्सेज का फीस लाखों लाख रुपये में पहुँचा दिया है। इस शिक्षा के बाजारीकरण के खिलाफ हम लोगों को आने वाले साल में हर वो संघर्ष करना पड़ेगा, हर वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इसको परास्त करना होगा। और जब बात हम करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो हमें बात करना पड़ेगा सामाजिक न्याय का। और सामाजिक न्याय का क्या हो रहा है इस कैंपस में पिछले इतने सालों से, UGC गैजेट आया, वाइस चांसलर उसको एक रेड कारपेट बिछा के कैंपस में ले आया, और तब से कैंपस में रिजर्वेशन पॉलिसी की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, सामाजिक न्याय की हत्या की जा रही है। रिजर्वेशन पॉलिसी MPhil PhD में पिछले 3 साल से फॉलो नहीं किया जा रहा है, इतने शर्म की बात है ये। और इस साल जब हम लोग इलेक्ट होके आए हैं, तो हमारा पहला मुद्दा ये होगा कि थर्ड लिस्ट हम निकालें MPhil PhD के एंट्रेंस का, और सारे रिजर्व सीट्स को फुलफिल कराएं, सोशल जस्टिस को एंश्योर करें, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिस को फंक्शनल बनाने के साथ उसमें इलेक्टेड स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव को लाए, SFC ऑब्जर्वर्स को लाए वाइवा वोसे में, इन तमाम मुद्दों के साथ सोशल जस्टिस को एंश्योर किया जाएगा, जेंडर जस्टिस को एंश्योर किया जाएगा। इस पपेट ICC के खिलाफ लड़के एक शैम जो किया जा रहा है, एक नाटक किया जा रहा है, वाइस चांसलर एक बॉडी बनाता है, उसमें अपने सारे चमचों को, दलालों को भर के कहता है कि ये लोग बताएंगे कि न्याय क्या होता है और इनकी न्याय की परिभाषा क्या है। जब कोई कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट लेके ICC के पास जाती है, तो उसी को उल्टा डांटा जाता है कि आप इस समय पे इस जगह क्या कर रहे थे, आप ये कपड़े क्यों पहने थे। ये आज दिल्ली में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हाल है। इसके खिलाफ, इस पपेट शैम प्रोसीजर के खिलाफ हम लड़ाई लड़के इसको भी ध्वस्त करेंगे और अपने GS कैश को वापस लाएंगे। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं इस कैंपस को इंक्लूसिव बनाने का 283 रुपये का, तो हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि जो हमारे कैंपस का एक गाइडिंग, हमारे स्ट्रगल का हमेशा से गाइडिंग प्रिंसिपल रहा है कि कैंपस सबके लिए इंक्लूसिव हो, सबको वो साथ लेके चले, और इसीलिए बैरियर फ्री कैंपस का डिमांड हम बार बार उठाएंगे।
तब तक उठाएंगे जब तक के जो सत्ता में बैठे हुए ताकत है वो समझ नहीं जाते हैं कि इंक्लूसिविटी का मीनिंग क्या हो जाता है। और इसीलिए इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ कई सारे मुद्दे होंगे। ये मुद्दे कोई आइसोलेशन में नहीं है कि आज JNU में कुछ हो रहा है और देश में कुछ और हो रहा है। जो देश में हो रहा है वही JNU में भी हो रहा है। देश में शिक्षा का पैसा काटा जा रहा है, JNU में भी काटा जा रहा है। जब देश में सांप्रदायिकता सरकार फैला रही है तो यहाँ पे भी हमारे एक साथी को पीट पीट पे गायब करता है ABP का लोग, नजीब अहमद को। जब देश में ये लोग जातिवादी कमेंट बार बार देते हैं, ब्राह्मणवाद फैलाता है, तो इस कैंपस में रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो नहीं होता है। इन्हीं तमाम मुद्दों को इस कैंपस में ही नहीं, एड ब्लॉक से लेके जंतर मंतर तक के, तो जंतर मंतर से लेके प्रधानमंत्री के घर तक के ये लड़ाई लड़ी जाएगी, सड़कों पे लड़ी जाएगी, लाठियों खा के, टियर गैस खा के लड़ी जाएगी। और मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा कि JNU इस संघर्ष में अपना पूरा योगदान देगा। और साथ ही में हम एक छात्र एकता के साथ ना सिर्फ JNU बल्कि DU AUD AMU HCU तमाम यूनिवर्सिटीज के साथियों को एक करके हम लोग इस संघर्ष को लड़ेंगे और जीतेंगे। यह कहते अपने बात खत्म करूंगा। शुक्रिया। जय भीम। इंकलाब जिंदाबाद। कॉम्रेड्स।